वट इज द वैल्यू ऑफ एल्फा ओके तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या गेबन है इन द रदर फोर्ड एल्फा स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट में जो रेशियो है एट एन एंगल ऑफ 180 एटी डिग्री टू द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैट एंगल ऑफ 90 डिग्री इज एल्फा वाई फोर सो वैल्यू ऑफ एल्फाइज ओके तो यहाँ पे मुझे एल्फा की वैल्यू बतानी है ओके okay, सो so यहाँ पे देखो जो स्कैटरिंग एंगल है यहाँ पे हमारा टीटा वन जो है वो हमें वन एट्टी डिग्री गेबन है और थीटा टू जो है यहाँ पे हमारा वो 90 डिग्री है ओके तो इन रदरफोर्ड अल्फा एल्फा एक्सपेरिमेंट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे स्केटर्ड होते हैं ओके तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है एन थीटा इज इक्वल टू वन एन थीटा जो होता है यहाँ पे हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन साइन की पावर फोर थीटा बाई टू के इक्वल ओके तो नंबर ऑफ जो स्केटर्ड पार्टिकल है हमारे ओके तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन साइन की पावर फोर थीटा बाई टू के ओके सो तो यहां से एन थीटा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन साइन की पावर फोर थीटा वन बाई टू दैट इज इक्वल टू वन अपॉन साइन की पावर फोर थीटा वन कितना है वन एट्टी डिग्री डिवाइडेड बाई टू तो यहां से ही कितना आ जाएगा वन अपॉन साइन की पावर फोर 90 डिग्री ओके नाउ, एंड थीटा टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन साइन की पावर फोर थीटा टू बाई टू दैट इज इक्वल टू वन अपॉन साइन की पावर फोर और यहाँ पे ये यह कितना हो जाएगा थीटा टू कितना 90 2, 4, okay, है नाइन्टी डिग्री डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल टू वन so अपॉन साइन की पावर फोर फोर्टी फाइव डिग्री ओके यहाँ पे रेशियो गिवन है सो यहाँ से ये कितना आ जाएगा एंड थीटा वन अपॉन में एन थीटा टू ये कितना आ जाएगा यहाँ पे तो वन अपॉन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा साइन की पावर फोर फोर्टी फाइव डिग्री और साइन की पावर फोर यहाँ ये कितना रह जाएगा नाइन्टी डिग्री ओके और एन थीटा वन बाई एन थीटा टू का जो रेशियो है वो गिवन है अल्फा बाई फोर के इक्वल सो दैट इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा देखो साइन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू होती है वन बाई अंडर टू तो रूट टू का होल स्क होल की पावर फोर ये कितना हो जाएगा वन ओके होल पावर कितना हो गया फोर और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन नाइन डिग्री की वैल्यू होती है वन, तो वन की तो की पावर ये कितना आ जाएगा देखो वन बाई रूट टू की पावर फोर करेंगे तो टू रूट टू रूट टू टू हो गया देन रूट टू रूट टू फिर से टू हो गया तो वन बाई फोर आ जाएगा यहाँ से हमारा ओके और अपॉन में कितना रह जाएगा वन तो सिंपली यहाँ से हमारा जो अल्फा बाई फोर है दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सो so, से मुझे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे मेरे पास वन ओके okay. तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में ओके okay. सीधा फॉर्मूला था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो कि स्केटर्ड होते हैं किसी एंगल थीटा पे तो उसका फॉर्मुला क्या होता है अपॉन की पावर थीटा ओके okay. तो इस फॉर्मूले का यूज करना था और यहाँ पे मुझे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो अल्फा की वैल्यू आती है यहाँ पे मेरी वन ओके okay.